ये बाल नहीं अंदर जाते सच में अंदर मेरे भाई को सताए कोई जीजा जी अग्निपथ देखने के बाद ढूंढे थे भाई हंसते हैं भाई मेरा डर खत्म Hey people, it's me, हाँ, फिर कभी वेलकम बैक टू माई चैनल मिस्टर रेडी ब्लॉगर और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर लगती हो जानते हैं इन स्टार्स को जानते हो क्या आप ये मेरी ऋषिकेश वाली फैमिली मेरे साथ वापस आ गई है और आज हम आए हैं शादी में शादी किसकी शुभम की शुभम कौन सुनीता चाची का बेटा और दीतिका जी के साथ उनकी शादी हो रही है अच्छा मेरे को एक कंफ्यूजन थी हा? आप लोग की एनर्जी देख के ना वैसे तो डर लगता है कि अभी पता नहीं बहू आएगी सास आजकल सास पुरानी हो जाती है ना मेरे को तो बहू के लिए डर लग रहा है मतलब सास ऐसी एनर्जी मैच कर लेगी अच्छा ये ठीक है कांग्रेचुलेशंस मैन आई एम गुड थैंक यू सो मच थैंक यू ऐसे मौके पे लोग मुझे अवतार भी बोलते हैं आखिरी बार पूछ रहा हूं श्योर हो भाई यू विल गेट टू नो बाय द ईयर लाइक यू नो In the evening, मतलब middle of the evening, you'll get to know how sure I am. क्या बात है? I'm looking forward to it, bro. Yes, yes. Amazing meeting, man. Congratulations once again. Thank you so much. बहुत कम ऐसा होता है that you find a equally lively, amazing man other than you. But Shubham bhai, thank you. You are equally lively, amazing man. It's very hard to find such people. मेरे बचपन की डैडी कहते थे खोटा सिक्का चलेगा नहीं मम्मी प्यार से खिलाती दाल चावल और दही माँ के हाथों का वो जादू फाइव स्टार में नहीं मर मर के मिली कॉलेज डिग्री मेरी जॉब एक ट्रेजेडी अच्छो सैलरी एक लड़की मिली थी वो भी डंप कर गई डंप होने को बैठा हूँ कोई मिले तो सही मामी नमस्ते अब आप कहोगे कैसे जानता हूँ रास्ते में सारी बात आपकी करते आए बस चीटर मोहन जानते हैं भाई सारी चीटिंग कराते हैं ओ बंदा सीता रब दा मैं डिटो तेरे वर्गा मैं काम गलत कोई करदा तो गाइस शुभम भाई अभी वो काम कर रहा है जो मैंने भी करा था और हर शादीशुदा मर्द ने किया होता है इस टाइम वो संकल्प कर रहा है भगवान से वो शक्ति मांग रहा है कि मुझे हिम्मत देना भगवान और हिम्मत मिलेगी भाई मुझे लगता है आपका सोलो गाना नहीं देखा अभी शुभम भाई ने इसलिए चेयर मंगा रहे थे भाजी शक्ल से तो आप शुभम के बड़े भाई लग रहे हैं और नाम है विशाल वेरी नाइस मीटिंग यू विशाल भाजी मेरे भाई को सताए कोई ऑडिशन भाई मुझे ना एक आदमी से बड़ा डर लग रहा है मैं पूछ ही लेता हूँ एक्सक्यूज मी भाजी भाजी एक तो आपकी हाइट अमिताभ बच्चन जैसी अच्छा आप मतलब ऐसे एंग्री यंग मैन की तरह घूमते रहते मतलब काफ़ी देर से डरे जा रहे हो मैं पूछ ही लेता हूँ स्माइल आप देखने को थैंक्स टू माय कैमरा थैंक यू सो मच भाजी स्माइल कर दो प्लीज़ मैं इतनी देर से देख रहा था वीडियो में आप ऐसे घूमने जा रहे हो मैं दूर दूर घूमने अच्छा गुड नेम भाई गौतम गौतम वेरी नाइस नेम भाई भाई हंसते हैं भाई मेरा डर खत्म जीजा जी अग्निपथ देखने के बाद ढूंढे थे अमेजिंग लंबे भी और एंग्री यंग मैन की तरह घूमने में तो डरते डरते पूछा मैं नाम बता दो प्लीज अच्छा
भाई साहब आपने बनाया ये सब सब आपका है अब यहाँ से उतर के धरती पे कब जाना है आसमान में चढ़ा दिए बिल्कुल वेरी अमेजिंग वेडिंग प्लानर मैन भाई आपका नाम बताओ सब और आपकी कंपनी का नाम लपनॉट बाकी सब मैंने दिखा दिया सब समझ जाएंगे कि आपको कांटेक्ट करने के लिए कहाँ तक सोचना पड़ेगा एंड वेरी हार्ड वर्किंग मैन आई हैव सीन हिम वर्किंग अभी पिछले 15-20 मिनट में नाइस मैन भाजी तुहानू वेख के तसल्ली जी होंडी सरदार बंदा साडे नाल हैगा कोई ना कोई हम लोग बदौलत हमारा कपल बना है जी अरे वेरी नाइस इज द क्यूपिड ओके वेरी नाइस मैन पाजी पाजी सच्ची बताना मजबूरी में खिंचा रहे थे क्या मेरा साथ देने वाला कोई तो मैं हमेशा अपनी वाइफ को कहता हूँ मैं तेरी वजह से खिंचवानी पड़ती है अभी मैंने सुना नमस्ते नमस्ते कैसे हो यूट्यूब पे डाल ड्रेस कपल हाँ ड्रेस कपल जिंदा दिल नरेश चौधरी जी हाँ अच्छा नमस्ते अंकल नमस्ते अंकल एक तो आपको अंकल बुलाते हैं मेरा जहन गवाही नहीं देता बट मैं जहाँ जा रहा हूँ ना सुनीता चाची और की सारी फैमिली की जिंदा दिल नरेश चौधरी जी जिंदा दिल तो आप ही मिस्टर जिंदा दिल नरेश चौधरी जी हैं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और 2.5 साल से ना मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ मेरी माँ और मेरी बीवी ये बाल नहीं अंदर जाते सच में अंदर थैंक यू सर वेरी नाइस मीटिंग यू सर अमेजिंग मैन अमेजिंग पर्सनैलिटी मिल लिया बिल्कुल मिल लिया बल्कि अभी व्लॉग उन्हीं का बनाया था मैं कहा मिस्टर जिंदा दिल नरेश चौधरी आप ही हैं वो दूर से नजर आ जाएगा तो बिल्कुल बिल्कुल और दस किन्नी तारीफ चाहिदी है तेनू क्या कुछ चेक कर लिया खाने में क्या क्या है हांडी मामा मिल गई भाभी मिल गई क्या कह रही है अटैची लेने गए अटैची क्यों 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 काटनी है ग्लैमर में आना पसंद नहीं है सॉरी यार रिजर्व रहना पसंद है यूट्यूब पे भी ना डालूं यूट्यूब पे तो यार इतना स्मार्ट लग रहा है यार बनता है यार चल ठीक है नहीं डालता यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वेडिंग दिस बिग फैट वेडिंग इज कि यहाँ पे हर बंदा एक से एक बढ़ के मजेदार है यार मतलब तो अगले पे जाओ तो पिछला दोबारा याद करना पड़ता है ओहो इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया शुभम भाई बोथ द फैमिलीज आर अमेजिंग दीतिका भाभी शुभम भाई आप लोग बहुत खुश रहने वाले हैं एंड आई जस्ट विश के ऐसी फैमिली सबको मिले यार सारे सब एक से एक जिंदा दिल पंखे में ऐसा लग रहा था ये गाना आपके लिए ही बज रहा है और दस किन्निया तारीफा चाहिए तेनू गाइस इतनी जबरदस्त बात हुई ना अभी शादी में हम लोग वीडियो चलाने के लिए पूछ रहे थे पिया से कुछ तो कंसोल जो है ना ऑडियो कंसोल है वो बिल्कुल सामने है स्टेज के बिल्कुल सामने मतलब जिसको सुनना है वो सामने है और जिसको देखना है उसको पीछे दे दिया और आगे स्क्रीन दिख नहीं रही है तो भैया सिर्फ अंधेरे में तीर मारते कि भाई कैसे चलाओ कमाल भैया कमाल ओ एक ही जन्म में दे दिए दोनों जहां रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा